हाँ गुरु जी। तन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। अभी विरुद्धाहार के बारे में हम देख रहे थे। विरुद्धाहार क्या होता है उसकी व्याख्या हमने पहले वीडियो में देखी। जो कुछ टॉक्सिन्स हमारे शरीर में रह जाते हैं, जो सहजता से बाहर निकलने चाहिए वो निकलते नहीं हैं, क्योंकि वो दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध होता है। विरुद्ध स्वभाव होने के कारण दोनों के जो कार्यकारिता होती है निकलने की या फिर शम रखने की, वो नहीं होती है। पाचन की क्रिया ठीक से नहीं होती है। इसके लिए अनेक प्रकार के दोष, अनेक प्रकार के रोग वर्तमान में भविष्य में भी हो सकते हैं। कोई कोई विरुद्धाहार लेने से तुरंत इफेक्ट होती है। जो बहुत स्ट्रोंग विरुद्ध होता है वो तुरंत मार भी सकता है, नहीं तो धीरे धीरे उसकी असर होती है और अनेक रोगों का वो कारण बनता है। इसके लिए हमने पहले से लेकर 5 विरुद्धाहार तक पिछले वीडियो में हमने देखा था, वो आप स्लाइड देख सकते थे, देख सकते हैं। हमने 7वीं विरुद्ध तक लिया है, आप देख सकते हैं। पहली स्लाइड में हमने देखा, मैं पहले से बोल जाता बता देता हूं। तो सबसे पहले हमने देखा था देश विरुद्ध। आयुर्वेद में देश का महत्व है, तो इसके लिए देश विरुद्ध की बात मैंने पहले ही बता दी थी। फिर दूसरी बात आती थी काल विरुद्ध, फिर आता था अग्नि विरुद्ध। ये सब का कुछ ना कुछ हम बताया है मैंने इसके ऊपर पिछले वीडियो में। जो लोग नए हैं वो पहले के वीडियो देख ले ताकि उसको समझ में आ जाए। उसके बाद के बाद थी मात्रा विरुद्ध और पांचवा था सातवीं विरुद्ध। यहां तक हमने पीछे देखा था कि सातवीं विरुद्ध तक, अब होता है दोष विरुद्ध। आयुर्वेद में वात पित्त और कफ तीनों को दोष कहते हैं। उसका दोष नाम इसके लिए पड़ा है क्योंकि वो धातु को दूषित करते हैं। तो इसके लिए ये से तो वो तत्व है, लेकिन दूषणा दोषः, दूषण करने के कारण वो दोष माने जाते हैं। ये दोष वात पित्त कफ है, उसकी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रधानता रहती है। वो प्रकृति के अनुसार होता है, किसी में स्वभावतः कफ का प्राधान्य, किसी में वात का, किसी में पित्त का। वो दोष बढ़ते घटते रहते हैं, वो भी हमने पहले देखा था। भोजन के आदि में, मध्य में, अंत में, दिवस के आदि में, अंत में, मध्य में, उसी तरह से ऋतु वाइज भी वो बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। शरद में पित्त का प्रकोप होता है, वसंत में कफ का प्रकोप होता है, वर्षा में वात का प्रकोप होता है। वो प्रकोप, प्रशम और संचय क्या है वो आयुर्वेद के विषय में हम देखने वाले हैं, लेकिन वो दोष बढ़ते और घटते रहते। जब कोई दोष बड़ा हो तब हमारा आहार कैसा होना चाहिए वो आयुर्वेद बताता है कि कोई दोष बढ़ गया तो उसका आहार कैसा हो। जैसे कफ बढ़ गया तो कफ को करने वाली हर एक चीज को आपको छोड़ दे, तो दूध भी छोड़ना पड़ेगा, दही भी छोड़ना पड़ेगा। ये सब वस्तुएं जो कफ भारी है उतनी वस्तुएं छोड़ देनी है, क्योंकि कफ वृद्धि हो गई है, कफ बढ़ गया है। ऐसे आयुर्वेद दूध को रसायन मानता है। आयुर्वेद बहुत सारी चीजों को ये बताता है कि ये बहुत ही मधुर रस है, वो बहुत ही अच्छा है, पोषण देने वाला है, लेकिन जब कफ बढ़ गया हो तब मधुर रस को नहीं लेना है। ये विवेक भी आयुर्वेद रखता है। इसके लिए सबसे महत्व का है दोष विरुद्ध। जब हमारे में कौन से दोष बढ़ गए हैं उसको ध्यान में रखते न रखते हुए हम कोई आहार लेते हैं तो वो हो जाता है दोष विरुद्ध। तो दोष विरुद्ध की बात बहुत ही प्रसिद्ध है। अपने अनुकूल, अभी कफ बढ़ गया तो हमको तीखे पदार्थ लेने हैं, उष्ण पदार्थ लेने हैं, ठंडे पदार्थ छोड़ देने हैं, भारी पदार्थ छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ देने हैं उसकी बात हमने पहले बताई है, क्योंकि हमने देखा था मधुर रस कफ बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि उसमें जल और पृथ्वी होता है, पृथ्वी और जल का संगम है उसमें।
तो ये हमने पीछे बहुत सारी बात देखी थी, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा दोष हमको बढ़ता है तब वस्तुएं छोड़ देनी। किसी को पित्त बढ़ जाता है, पित्त की ऋतु आती है तो स्वाभाविकता से पित्त बढ़ता है, तो गर्म वस्तुएं छोड़ देनी है, तब खट्टी वस्तुएं भी छोड़ देनी है। अग्नि जिसमें जिसमें ज्यादा होगा, जलन होगी, ऐसे पदार्थ छोड़ देने हैं। तो ये आप दोष कौन सा बड़ा है वो आप देखें, कौन सा दोष हमारे शरीर में बढ़ गया है, तो आपको लक्षण दिखाई देंगे शरीर पर। जलन महसूस होती है तो पित्त बढ़ा है, यदि हमको ठंड ठंडा लग रहा है, भारीपन हो रहा है, निद्रा आ रही है, प्रमाद हो रहा है, आलस्य हो रहा है तो कफ बढ़ गया है, चंचलता हो रही है, शरीर में पेन हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो गया है या रुद्रसी अर्थात साइटिका हुआ है, पूरा शरीर दुख रहा है, कंपन हो रहा है तो वात बढ़ गया है। तो ऐसे अनेक लक्षणों से हम अपने दोषों को पहचान सकते हैं, कौन सा दोष बढ़ा है उसके हिसाब से हमको आहार विहार करना चाहिए। तो आयुर्वेद बताता है कि यदि आपने आपको कफ बढ़ गया और आपने ठंडा खाया तो ये बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि आग लग गई और आपने वायु दे दिया उसको, आग लग गई और आपने पेट्रोल डाल दिया, एक तो आग थी ही और आपने पेट्रोल डाल दिया, क्या होगा उसके? तो एक तो दोष बड़ा है, उसमें से आहार भी आप ऐसे देंगे तो दोष द्विगुणित हो जाएंगे, दोष प्रकोपित हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके लिए एलोपैथी में कोई परहेज नहीं होती है, कोरोना हुआ तो कुछ भी खा सकते हैं, और इसके कारण कोरोना से लोग नहीं मरे उतने, कोरोना में क्या करना है वो विवेक के अभाव के कारण मरते, क्योंकि महामारी हर 100 साल पे आती है। आयुर्वेद के दिव्य ज्ञान प्राप्त परम चेतना को प्राप्त ऐसे ऋषि मुनियों ने लिखा है कि ये वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ ये सारे सूक्ष्म जीव जंतु हमारी मनुष्य जाति से बहुत पहले से है और बहुत बाद तक रहने वाले हमारे, तो इसके लिए इसको इससे होने वाले रोग भी हर शताब्दी में आने वाले है। आयुर्वेद ने जीवन का ये क्रम बताया है तो उससे हम बच सके। दूसरी बात, जब हो जाए तब हमारा आहार विहार कैसे ठीक कर सके, क्योंकि उसका मार्गदर्शन बहुधा लोगों में नहीं था। इसके लिए भारत जो में जो भी आई महामारी और वो जो लोग मरे वो उसका कारण एक ही था, वो हमारे अज्ञान से मर गए। दूसरे देशों के पास तो ये है नहीं, तो उसके पास तो कोई अपेक्षा नहीं रखी जा सकती है, लेकिन भारत देश के पास आहार का इतना ज्ञान, आहार के इतने माइक्रो लेवल पर आहार को ऋषि मुनियों ने जाना है, पहचाना है, विधि को बनाया है, ये जानते हुए भी हमने आहार के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और आहार के ऊपर ध्यान नहीं देने से बहुत लोग खाकर मर गए, बहुत लोग विपरीत खाकर मर गए, दूषित आहार लेकर मर गए, कितना है उसकी गिनती नहीं। उसका कारण एक आहार बना, क्योंकि आयुर्वेद में बताया है जब भी आप बीमार हो जाओ, स्वस्थ हो तब आहार के बारे में सोचोगे तो बीमार नहीं होगे, और बीमार होंगे और आहार के बारे में आप सोचोगे तो कम से कम मरोगे। तो पहला उपाय यह है कि हम स्वस्थ है तब आहार के ऊपर विचार करें तो बीमार नहीं होगे। मानो बीमारी आ गई, कोई कारण से हम बीमार हो गए, बीमारी के कारण अनंत है, मानो बीमार हो गए हम आहार के बारे में जानेंगे तो कम से कम हमारा जान हम बचा पाएंगे, हमारा प्राण हम बचा पाएंगे, और आहार की योजना से हम स्वस्थ हो पाएंगे, इतना आहार का महत्व है। तो दोष को अपने आप को पहचानना है, कौन सा दोष मेरे में बढ़ गया है, और उसके विपरीत आहार विहार करना है, वो दोष विरुद्ध नहीं होगा। देखिए यहाँ जो दोष सम है, जो दोष बढ़ गया है उसको बढ़ाने वाला आहार विरुद्ध हो जाता है। जैसे आग आग लगी है और आपने पेट्रोल डाल दिया, आपने डीजल डाल दिया तो वो विरुद्ध हो गया, क्योंकि आग को बुझाने के लिए पानी डालना चाहिए था और कुछ उपाय करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, तो विरुद्ध हो गया। उसी तरह से दोष प्रकोपित हुए हैं, उस समय आपने वही दोष को बढ़ाने वाले आहार या विहार किए तो वैसा आहार दोष विरुद्ध कहलाता है। आगे हम जाते हैं दोष विरुद्ध के बाद, आप देख सकते हैं वातादि दोष विरुद्ध के बाद संस्कार विरुद्ध का उदाहरण आता है आयुर्वेद में। संस्कार की एक बड़ी प्रोसेस है। संस्कार किसको कहते हैं, तो गुणांतरा आधानम संस्कारा,
गुण को परिवर्तन कर दे ऐसी जो क्रिया है उसको संस्कार के। जैसे चावल की बात ले ले, चावल यहाँ रखा है उसके बाद उठाकर यहाँ रख दिया और कहीं ले गए तो वो उसका संस्कार नहीं हुआ। क्यों संस्कार नहीं हुआ? क्योंकि उसके गुण में परिवर्तन नहीं आए। मानो चावल रखे है यहाँ रखे है, इस कोने में वहां रख दे, बंबई से राजकोट ले आए, राजकोट से साउथ ले जाए, तो वो संस्कार नहीं हुआ। उसमें क्रिया हुई, संस्कार नहीं हुआ। उसको ले गए, क्रिया हुई, लेकिन उसका टेस्ट बदला नहीं, उसका स्पर्श बदला नहीं, उसका रूप बदला नहीं, रूप रस गंध स्पर्श बदले नहीं, ऐसे ही रहे वो, तो वो संस्कार नहीं है। लेकिन वही चावल को आपने एक पतीली में लिया, उसमें पानी डाला, गैस के ऊपर रख दिया, वो पक गया, तो वो संस्कार हो गया। क्यों संस्कार हो गया? क्योंकि चावल में रूप रस गंध और स्पर्श चारों बदल गया। तो संस्कार में वस्तुओं के रूप रस गंध स्पर्श ये सारे गुण बदल जाते हैं। ये गुण बदलने से उसकी क्रियाएं कर्म बदल जाते हैं। पहले वो भारी था अब हल्का हो जाता है, पहले वो पचने वाला नहीं था अब पचने वाला हो जाता है, पहले वो शक्तिदायक नहीं था अब शक्तिदायक हो जाता है, पहले उसमें अनभिव्यक्त थी सारी प्रॉपर्टीज अब अभिव्यक्त हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये ऋषि मुनियों ने एक देखा कि चावल में से गेहूं में से किस तरह से प्रॉपर्टीज बाहर आएगी। आप विचार करिए, पहली बार जिसने चावल बनाया होगा, गेहूं बनाया, बाजरी का आटा बनाया, बाजरी का रोटी, कितना कठिन बात थी, कितनी कठिन थी। वो प्रॉपर्टीज चावल में है, लेकिन वो फिर बाद में ले आना, अंतिम प्रोसेस तक, उसको अंतिम परिणाम तक ले आना, वो कितना कठिन, पहली बार कोई सोच नहीं सकता है कि गेहूं ऐसे उबाल देते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको फिर आटा करते हैं, आटा से फिर रोटी करते हैं तो पोषणदायक होता है, जौ की रोटी करते हैं लेकिन चावल की रोटी नहीं करते हैं, चावल ऐसे ही पका देते हैं। तो पहली बार ये डिफ्रेंशिएट, पहली बार ये क्लासिफिकेशन, विभागीकरण जो किया, वो कितनी बुद्धि, कितनी सूक्ष्मता होनी चाहिए कि एक एक आहार के ऊपर ऐसा विभागीकरण किया जाए। और वो सर्वप्रथम आयुर्वेद में हुआ, सर्वप्रथम आयुर्वेद के ग्रंथों में, उससे पहले वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले आहार की जो योजना हुई, मत सकते हैं कि वो कितनी कठिन होगी और कितनी महत्व की बात होगी। तो संस्कार की बात आई, तो चावल को उष्णता का, गर्मी का, गर्म देने का संस्कार किया, चावल के रूप रस गंध स्पर्श कर्म सब बदल गया। जो पहले खाने लायक नहीं था वो अब खाने लायक हो गया। पहले पोषण देने ऐसा नहीं दे सकता था, दे, दे देने लगेगा। पहले वो बिगड़ता नहीं था, पका पक पक गया, तो अब उसमें विकृतियां भी आनी शुरू हो जाएगी। तो दो दिन तक उसको नहीं रह सकते, चावल ऐसे एक साल रह सकता है लेकिन पका हुआ चावल दो दिन नहीं रह सकता है, कितना परिवर्तन हो गया। तो उसको कहते संस्कार, अग्नि संस्कार करके हम चावल को खा सकते हैं, एक भिन्न प्रकार का अग्नि संस्कार कर सकते, जौ को खा सकते, ज्वारी को खा सकते, बाजरे को खा सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के अग्नि संस्कार होते हैं, जल के भी संस्कार होते हैं, सब्जी करे तो जल का संस्कार आवश्यक होता है, अग्नि का भी संस्कार आवश्यक होता है। तो अलग अलग प्रकार के संस्कार करते हैं, उसमें कोई कोई संस्कार किसी किसी के लिए विरुद्ध हो जाता है। जैसे दूध को हम गर्म कर सकते हैं, और सबसे उत्तम बात यह है कि दूध को गर्म करके ही लेना है, केवल जो गाय का दूध है वो धारोष्ण ले सकते हैं 15-20 मिनट आधा घंटा तक, उसके बाद यदि लेना होगा कोई भी प्रकार का दूध आपको लेना होगा तो गर्म करके ही लेना है, नहीं तो दूध हानि करेगा, फायदा नहीं करेगा। आज के मॉडर्न साइंस में एक पैकेट ले लेते हैं और सीधा का सीधा पैकेट, मैंने ऐसे साइंटिस्ट जो साइंस पढ़ने वाले उसको देखा है, सीधा पैकेट का दूध पी लेते हैं। अब इसको आप साइंटिस्ट माने, मूर्खता माने, क्या माने, कि जिसको इतना आहार का ज्ञान नहीं है कि कौन सी वस्तु किस स्वरूप में कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें एक दो साइंटिस्ट आए थे, वो बोले हम सीधा पैकेट का दूध पीते हैं, पैकेट मंगा लो हम सीधा पी लेंगे गिलास में निकाल। मैंने कहा कम से कम आप पीते होंगे लेकिन ऐसा दूध नहीं पीना चाहिए, ये बहुत ही दुर्धर हो जाता है, भारी हो जाता है। ये आयुर्वेद का बड़ा विज्ञान है, उसके ऊपर चर्चा भी हुई, प्रमाण भी दिखाए।
तो ये ऐसे दूध को गर्म करके ही पीना है, उस तरह से दही को कभी भी गर्म नहीं करना है। दही को गर्म करने से संस्कार विरुद्ध हो जाएगा, तो दही को गर्म नहीं करना है, नहीं तो दही को यदि गर्म करेंगे तो संस्कार विरुद्ध हो जाएगा वो। ऐसे हनी को गर्म नहीं करना है, तो हनी को गर्म करेंगे तो संस्कार विरुद्ध हो जाएगा। तो ये संस्कार विरुद्ध की बात ऐसी आती है। मांसाहारी प्रजा है उसके लिए ये बात बताई है कि एरंडे के लकड़ियों में मोर का मांस। अब मांसाहारी प्रजा भी उस समय थी, अनार्य लोग मांसाहारी थे, आज भी वर्ल्ड की न चाहते हुए भी बहुत सारी जनता ये मांसाहारी है। उसको भी कुछ रोग होते हैं, उसका आयुर्वेद में वर्णन है कि मांसाहारी लोगों को कौन से रोग होंगे। उसकी चिकित्सा करने के लिए ज्ञान अतिशय आवश्यक रहेगा हमको। जहर भी हम खाते नहीं है, जहर हम चाहते नहीं है जगत में रहे, लेकिन तो भी इतने बावजूद भी जहर रहता है, लोग जहर खाते हैं। लोग को किसी सांप बाप ने काट लिया तो जहर चढ़ता है, तो जहर न चाहते हुए भी जहर होता है, जहर असर करता है, जहर की इफेक्ट होती है। तो वैद्य को जहर के बारे में भी पता होना चाहिए, जहर का मारण भी उसको आना चाहिए, जहर का प्रतिविष क्या है वो भी उसको पता रहना चाहिए। उसी तरह से मांस न खाते हुए भी, मांस का समर्थन न करते हुए भी, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ी हिंसा मानते हुए भी मांस के बारे में ज्ञान तो आवश्यक ही होता है वैद्य के लिए। पंच महाभूतों का सभी का ज्ञान यदि आवश्यक है तो मांस के बारे में भी जानकारी होनी ही चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में मांस का वर्णन इस दृष्टि से मिलता है कि मांस कोई खा रहा है कैसे रोगोगे। तो उसमें बताया गया है कि एरंड तेल से यदि कोई मोर का मांस खा ले तो बहुत विरुद्ध होता है और भयंकर उपद्रव के रोग उसको हो सकते हैं। अनेक प्रकार की प्रॉपर्टीज का आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। आज अनेक प्रकार की प्रॉपर्टीज हम मानते हैं कि हम शाकाहारी है, लेकिन जो बाहर का हम खाते हैं आहार विहार, वो जो पैकेट बंद फूड खाते हैं उसमें कितना मांसाहार आता है वो कल्पना नहीं होगी, और इतने दूषित तत्व आते होंगे उसकी हमको कल्पना नहीं होगी, और इतने दूषित जो आहार से हमको कितने प्रकार के रोग होते होंगे वो तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप विचार नहीं कर सकते हो कि एक पैकेट स्पाइसीज वाला कोई भी प्रकार का, और वो धीरे 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 खाने के आपको कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे विरुद्ध आहार आपके शरीर में जाते होंगे, कल्पना नहीं की होगी। जो तेल नहीं खाना है वो तेल आप खाते होंगे, जो बाहर का आयुर्वेद में मना किया होता है वो वहां पर डाला जाता है वो हम खाते हैं, तो बहुत प्रकार के रोग हमको हो जाते हैं। और विषमाशनाच्च बताया है, अत्यंगपानात विषमाशनाच्च दिवाशया जागरणाच्च रात्रो संरोधनात् मूत्र पुरीषयोश्च षड्वि प्रकारे प्रभवन्ति रोगाः। जैसे एक पेड़ को उगाना हो तो उसके लिए जमीन चाहिए, बीज चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, खाद चाहिए और मेहनत चाहिए। ये छह वस्तु जैसे एक वृक्ष को उगाने के लिए आवश्यक होती है, उसी तरह से आयुर्वेद में बताया है कि छह मुख्य कारण कोई भी प्रकार के रोगों के लिए होता है। उसमें बताया अत्यंगपानात्, एक तो कोई अधिक पानी पीता है या विकृत प्रकार का पानी पीता है, बार बार पानी को बदलता है, आज हमारा पानी बहुत विकृत है, तो ये अत्यंगपानात् यदि कोई करता है तो उसको रोग होते हैं। विषमसनाच्च, विष वाला खाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकल में से पॉइजन की बोतल लेकर वो खाता है कि फिनाइल की बोतल पी जाता है, ऐसी बात नहीं है। हम कोई पैकेट बंद फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से वो हम फूड नहीं खा रहे, वो हम जहर खा रहे हैं। उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, फूड की एक्सपायरी टाइम होता है, डेट नहीं होती है। मानो सुबह बना पका हुआ अन्न है तो दोपहर तक खा सकते हैं, दोपहर के बाद नहीं खा सकते हैं, वो एक्सपायर हो गया टाइम के, तो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो फूड में, जो पका हुआ फूड है वो एक्सपायरी डेट नहीं होती है, एक्सपायर टाइम होता है। तो आयुर्वेद कहता है अनेक प्रकार के भीषण रोग को जन्म देता है। हमको लगता है कि इतने कैंसर बढ़ गए, इतने डायबिटीज, इतने ब्लड प्रेशर के दर्दी बढ़ गए, क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमारे आहार विहार की
बिल्कुल अज्ञानता। आज देखे हम आहार का महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, जीवन का जो उपयोगी विषय है अतिशय, जिसके बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते, हमारा शरीर एक क्षण उसके बिना का निकालना कठिन होता है। तो ये इतना ज्ञान जीवन का महत्व का है, और दूसरे दूसरे लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं देखिए, क्या क्या लोग अभी कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे होंगे, कोई पिक्चर देख रहा होगा। तो इतनी भयंकर अज्ञानता, और ये अज्ञान का फल हमने देख लिया। अज्ञान का फल एक ही होता है, या तो दुख या मृत्यु या व्याधि। ये सब फल अज्ञान के है, ये सब फल मूर्छा के है। तो इसके लिए कम से कम बच्चों को आहार का ज्ञान दे, अपने आप को आहार का ज्ञान रखे। ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें हम यहाँ से निकालने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो निकालने वाले हैं, ताकि भारत में कम से कम आहार की अज्ञान से तो कोई न मरे। आहार का अज्ञान हो वो इसका कारण न बने, उसके रोग का जान ले, और जानकर उसको ऐसा लगेगा कि आहार के ऊपर कितना विचार किया है, एक 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 आहार के ऊपर कितना विस्तृत विवरण किया गया है। यदि वो थोड़ा बुद्धि चलाएगा, थोड़ा वो जानेगा, थोड़ा वो समझेगा, तो वो गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेगा कि ये देश ने मुझे क्या दे दिया है। तो बच्चों को भी ये सिखाइए। हम यहाँ पर विरुद्ध आहार की बात सिखाते हैं। कोई भी पथी के व्यक्ति को यदि एक सीखने की बात जो आयुर्वेद में है, तो ऐसी बहुत सारी बातें सीखने की है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि वो कहीं पर भी नहीं है, वो है विरुद्ध आहार की बात। विरुद्ध आहार की बात एक भी पथी में आयुर्वेद जैसी हो, आयुर्वेद जिसका इसका वर्णन हो, संस्कार का, उसका उसका किस तरह के प्रोसेस से किस तरह से आहार बनता है, वो आहार अंदर जाकर क्या करता है, वो आहार का अंतिम परिणाम क्या होता है, वो एक भी जगह पर नहीं। इसके लिए ये जो हमने बताया वो संस्कार विरुद्ध हो जाता है। कोई वस्तु का किसी भी तरह से संस्कार करना होता है, दूसरे प्रकार से संस्कार किया तो वो विरुद्ध हो जाता है। उसके दो उदाहरण मैंने बताए, दही को गर्म नहीं करना है, मधु को भी गर्म नहीं करना है। उसी तरह से पके फल के रस को भी गर्म करके नहीं खा सकते हैं। पके फलों का रस होगा, मौसमी का जूस होगा, उसको कोई गर्म करके खाता ही नहीं है, इसके लिए मैं नहीं बताता। लेकिन फलों का अग्नि संयोग, पके हुए फल वो अग्नि में गरम करके नहीं लेते हैं, लेकिन कोई नई पद्धति निकलेगी तो ले सकते हैं। इसके लिए पहले ही बताया इस तरह के संस्कार नहीं करने हैं। तो अब संस्कार विरुद्ध के ये उदाहरण है, दही का और मधु का। उसके बाद का क्रम आता है तो है वीर्य विरुद्ध। उष्ण और शीत ये दोनों वीर्य बताए हैं, 8 प्रकार के और वीर्य ग्रंथ और अलग अलग ग्रंथों में बताए हैं। आज हम लेंगे 2 प्रकार के वीर्य होते हैं, वो आपको समझने होंगे। उसको हम ताशीर कह सकते हैं, उसको हम उसकी ठंडी गर्म प्रकृति कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई पदार्थ या तो शीत होगा या गर्म होगा, 2 में से ज्यादातर एक की प्रधानता उसमें हो सकती है। क्योंकि सूर्य चंद्रात्मकम जगत अग्नि सोमात्मकम जगत, ये जो कहते हैं अग्नि और सोम से पूरे के पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है, अग्नि सोमात्मकम जगत है। तो ये अग्नि सोमात्मकम जगत में अग्नि से और सोम से, चंद्र से और सूर्य से जैसे पूरी की पूरी दुनिया चलती है, उसी तरह से अग्नि तत्व और सोम तत्व कोई कोई पदार्थों में ज्यादा और कम रहता है। जिसमें ज्यादा रहता है वो उष्ण वीर्य हो जाती है वस्तु, और जिसमें कम रहता है, बहुत कम रहता है, वो शीत वीर्य कही जाती है। ऐसे 2 वीर्य आयुर्वेद ने माने हैं। शीत ठंडी वस्तुएं जो है उस खाने के बाद गर्म वस्तु का सेवन नहीं करना है, भोजन में एक साथ उसको नहीं लेनी है। गर्म ले तो गर्म की एक लाइन बनाए, ठंडी ले तो ठंडी की एक लाइन बनाए। आज आहार का इतना अज्ञान है, हम भोजन में कभी कभी देखते हैं, खाते तो नहीं है कभी भी बाहर, लेकिन कभी कभी देखने का अवसर मिल जाता है, कार्यक्रम में जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि पहले लोग कुछ कुछ लेते हैं, उसमें आइसक्रीम भी होता है साथ में चाय भी होती है। पहले आइसक्रीम खा लेता है, ठंडा खाया, उसके बाद चाय पी ली, गर्म किया, काढ़ा भी होता है, काढ़ा भी पीता है वो कोई,
ऐसा स्पाइसी वाला और फिर ठंडा कुछ जूस भी होता है, ठंडा शरबत भी होता है, वो भी पीता है, उसको लगेगा इसमें से भी मुझे विटामिन मिलेगा, इसमें से भी मुझे प्रोटीन मिल जाएगा, इसमें से भी मुझे पोषण मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों अंदर जाकर क्या करेंगे वो उसको पता नहीं है। तो जैसे सूर्य की हाजिरी में चंद्र नहीं दिखता है, उसका प्रभाव नहीं होता है, चंद्र की हाजिरी में सूर्य नहीं दिखता है, नहीं प्रभाव होता है, ये जगत का पूरा नियम है, ये किसी ने भी बनाया हुआ नहीं है, ये अनादि अनंत नियम है। तो वही नियम उसके उसके प्रधानता वाले तत्व, वो तत्व जिसमें जिसमें प्रधान होते हैं, वो आहार द्रव्यों में भी वो नियम लागू होता है। इसके लिए जो गर्म वस्तुएं है उसको कभी भी ठंडी वस्तु के साथ नहीं खानी है, ठंडी वस्तु को कभी भी गर्म वस्तु के साथ नहीं खानी, दोनों आप खा सकते हैं लेकिन 3 घंटे का गैप रखें। ठंडी वस्तुएं कुछ खाई है, शीत वीर्य है, उसके बाद यदि गर्म कुछ खानी है तो 2-3 घंटे के बाद खाए तो हानि नहीं होगी। एक साथ भोजन में दोनों को न ले, नहीं तो हानि हो सकती है। इसके लिए इसको कहते वीर्य विरुद्ध, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, ये दोनों का साथ में सेवन करना वो होता है वीर्य विरुद्ध का, उदाहरण दिया है आयुर्वेद में। उसके बाद का क्रम आता है कोष्ठ विरुद्ध का। हर एक व्यक्ति का एक कोष्ठ होता है, वो मृदु भी हो सकता है, तीक्ष्ण भी हो सकता है। तो जैसे हमको भारी खुराक पचता नहीं है तो हमको भारी खुराक नहीं खाना है, हम पचा नहीं पाते हैं तो वो नहीं खाना है, वो यदि हम खा लेंगे तो वो कोष्ठ हमारा होगा, वो मृदु है, वो हल्की वस्तु पचा सकता है, हमने भारी वस्तु खा ली तो पचा नहीं पाएगा, तो डायरिया हो जाएगा, अपचन हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा। जो खुराक हमसे भारी होता है वो खुराक नहीं खाना है, भारी वस्तुओं का जो पचा पाता है, ऐसी जिसका क्रूर कोष्ठ है, उसको ज्यादातर ज्यादा वस्तुएं या तो फिर ऐसी वस्तुएं खानी है जो उसका पोषण कर सके, नहीं तो बार बार उसको भूख लगेगी, बार बार वो अलग 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 वस्तुएं खाएगा। इसके लिए कौन सी वस्तु खानी है उसको आयुर्वेद में कोष्ठ के अनुसार वस्तु खानी है। तुरंत आपको यदि ऐसा है कि अपचन है, अजीर्ण है, आपका कोष्ठ मृदु है, तो आपको लघु आहार करना है, आपको हल्की हल्की वस्तुएं खानी है। लेकिन जिसका क्रूर कोष्ठ है उसको वो भारी खा सकता है, थोड़े प्रमाण में वो भारी वस्तुएं ले सकता है, तो कोष्ठ का विचार करना, अपना कोष्ठ क्या पचा सकता है। तो आयुर्वेद पोषण से भी ज्यादा पाचन को महत्ता देता है। इसके लिए न्यूट्रिशियंस वैल्यू लिखी होती है, प्रोटीन इतना इतना, ये इतना कार्बोहाइड्रेट, इतनी कैलोरी, इतना वो, लेकिन किसके लिए वो सब, जो पचा पाएगा उसके लिए है वो, जो पचा ही नहीं पाएगा उसके लिए तो पैकेट में केवल लिखा है, उसका कोई काम का नहीं, उसका कोई काम का वो होगा नहीं, वो केवल कल्पना का होगा। या इतने पैकेट लेते हैं तो इसमें पूरा लिखा हुआ आता है कि हाँ इसमें इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतनी कैलोरी, लेकिन कब, जब वो पच जाएगा तब, यदि पचेगा नहीं तो उसमें से कुछ नहीं, यदि पच गया तो वो सारे तत्व वो बाहर आए गए, यदि पचा नहीं तो कुछ नहीं। इसके लिए आयुर्वेद पोषण की बात नहीं करता है, पाचन की बात करता है। ये कब होगा, जब ये पच जाएगा तब। तो इसके लिए ये भी ध्यान रखे कि अब हम क्या पचा सकते हैं, वो पचा सकते हैं वही खाए, जो नहीं पचा सकते हैं भारी खुराक है उसको न खाए। तो ये कोष्ठ विरुद्ध होगा, हमारा कोष्ठ मृदु है और हम भारी चीजें खाएंगे तो वो कोष्ठ विरुद्ध के उदाहरण में आएगा। क्रूर कोष्ठ और मृदु कोष्ठ ज्यादातर दो प्रकार होते हैं, उसमें से बहुत लोग, किसी का मध्यम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मृदु कोष्ठ वाले को ऐसी वस्तुएं, भारी वस्तुएं छोड़ देनी है। आगे एक की बात आती है तो अवस्था विरुद्ध का उदाहरण आता है। आगे आयुर्वेद में अलग अलग अवस्थाएं मानी, एलोपैथी में तो क्या होता है कि एक ही तरह की दवाई दी जाती है, या मैक्सिमम 2 भेद होते हैं, बच्चों को देने के लिए अलग, पीडियाट्रिक की और बाकी के लिए अलग, लेकिन आयुर्वेद में अलग अलग अवस्थाएं मानी है। कोई कोई औषधियां बाल्यावस्था में उपयोगी, बहुत उपयोगी होती है, उसके बाद अवस्था परिवर्तन हो गई, युवा अवस्था आ गई,
तो युवा अवस्था में कोई अलग प्रकार की उपयोगी होती है औषधियां और आहार विहार। उसके बाद वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था में कोई और औषधियां और प्रकार के आहार विहार उपयोगी होते हैं। उसके बाद और जर्जरित अवस्था आ गई, वृद्धावस्था में भी अंतिम समय आ गया, तो अलग 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 आ गई, अलग अवस्था आ गई, तो अलग उसके लिए अलग आहार विहार हो गए, विधि चलती है, मर जाते हैं, उसके बाद विधि विधान होता है। गुजरात में विधि विधान हो रहा था, तो उसमें सब वस्तुएं रखी। अब ऐसी कहानियां की है कि वो जो जाता है उसमें वैतरणी नदी आती है, पता नहीं वेद में कहीं ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा पुराण में ऐसी कुछ कहानियां आती है, ऐसी वैतरणी नदी होती है और उसको पार करना होता है, तो उसको प्यास लगती है और भूख लगती है, और जो यहाँ खाता है वो उसको दिया तो वो उसको मिलता है और वो रास्ते में खाता है। ऐसी सब कहानियां है समझाने के लिए, लेकिन ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये समझाने के लिए कहानियां। तो इसके लिए वो सब वस्तुएं रखी थी पंडित के पास, जो पंडित जी आते थे उसके पास सब कुछ रखा था, तो वो लेते थे कि ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, उसको भूख लगेगी, फल रखो और रखो और रखो, सब कुछ रख दिया, सब कुछ लाए थे, लिस्ट बड़ा बनाया था, क्योंकि यहाँ ही वो इतना खाता था, तो वो सब लिस्ट लंबी थी, क्योंकि उसको बेल पकोड़ा चावल वो सब कुछ चाहिए। लोग अंत तक छोड़ते नहीं है खाना, इसके लिए भागवत में बताया रसे जीते जितम सर्वम, रस जीतते हैं तो सब, कुदरत ज्यादा खा ना पाए इसके लिए दांत गिरा देती है, कोई व्यक्ति ज्यादा खा न सके क्योंकि अब वो पचेगा नहीं, यहाँ पर पाचन ठीक नहीं होगा, इसके लिए दांत गिर जाते हैं, तो दांत यदि गिर जाते हैं तो वो स्वयं नया करा लेता है लेकिन खाना नहीं छोड़ता है, वो स्वयं दांत नया कराया और वही दांत से बढ़िया खाया, सब कुछ पाव भाजी ब्रेड पूड़ी भेड़ पकौड़ी सब खाया, तो अब वो दांत तो नया करा सकता है, पेट कहाँ से नया कराएगा, आंत्र कहाँ से नया कराएगा, अग्नि कहाँ से नहीं लाएगा, तो कुदरत के क्रम से दांत यदि गिर जाते हैं तो उससे लेसन लेना है कि अब मुझे भारी पदार्थ नहीं खाना है, अब मुझे लिक्विड खाना है, तो वो सब विधि चल रही थी। तो उसमें पंडित जी ने बताया कि एक बात अभी आप भूल गए, क्यों? तो के कायम चूर्ण नहीं रखा है, क्योंकि वो रोज लेते थे पेट साफ करने के लिए, तो वहां पर भी जरूरत पड़ेगी, जहां गए वहां पर भी पेट साफ नहीं हुआ होगा, क्योंकि रोज खाते थे उतना और खाकर फिर सो जाते थे बढ़िया, तो कायम चूर्ण लेते थे, तो लेकर आया, तो ये लेकर आया और रख दिया विधि में, क्या कायम चूर्ण भूल गए, कायम चूर्ण रख दिया विधि में। तो अंत में क्योंकि अंतिम अवस्था का आहार अलग प्रकार का होता है, बाल्यावस्था का अलग प्रकार का होता है, तो अवस्था के अनुसार आहार विहार की रचना आयुर्वेद में है, उसका विचार आयुर्वेद में किया गया है। ये एक प्रकार का बताया। दूसरा प्रकार का व्यवसायगत अवस्था है, किसी का व्यवसाय कुछ है, किसी का व्यवसाय कुछ है, कोई बैठे बैठे काम करता है, कोई दौड़ते दौड़ते दौड़ना ही पड़ता है, किसी किसी को रक्षण के लिए जाना होता है, बहुत ही उसको मेहनत लगती है, किसान का आहार अलग होता है, बुद्धिजीवी का आहार अलग प्रकार का होना चाहिए, उसी तरह से अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते हैं, उसमें शारीरिक और मानसिक शक्ति लगती है, उसकी दिनचर्या उसकी ऋतुचर्या अलग अलग होती है, कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है, कार्य क्षेत्र का वातावरण अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से भी आहार में अलग अलग हो जाता है, आहार भिन्न हो जाता है। जो बैठे बैठे काम करते हैं उसको हल्का भोजन, पच जाए ऐसा भोजन, भारी भोजन नहीं करना है, गुरु पदार्थ नहीं खाने हैं, लेकिन जो खेत में काम करता है, जो मजदूरी करता है, जो श्रम का काम करता है, उसको भारी भोजन करना है, उसको पौष्टिक आहार लेना है, उसकी अग्नि तीक्ष्ण होगी, उसको पचाने के लिए उसके पास श्रम है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद ने आहार की योजना बनाई है। कुछ कुछ बातें जो होती है वो बाल्यावस्था में बहुत उपयोगी होती है, उसके बाद युवा अवस्था में कुछ चीजें हम पचा सकते हैं, तो मिठाई है, ज्यादातर शीरा है, ज्यादातर सारी सारी वस्तुएं है वो युवा अवस्था में खानी है, लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था आती गई वो छोड़ती जानी है, फिर
फिर वो नहीं खानी है, अपने जीव को संभालना है। आज सबसे बड़ी जो गलती वो रही है, वो व्यक्ति के पास संयम नहीं रहा। इसके लिए वृद्ध व्यक्ति भी वही खाता है जो युवा खाता है। इसके लिए वृद्धों का आहार, उसके ऊपर हमारी पूरी एक शिविर में एक शिविर होती है और उसमें ये विषय की चर्चा होती है कि वृद्धों को कौन सा आहार लेना चाहिए। तो वृद्ध शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। आज मानसिक रूप से वृद्ध प्रायः भारत के 60-70% वृद्ध स्वस्थ नहीं है और यही हमारे घर के झगड़े का कारण बन गया है। हमारे बीच में वो कारण बना है क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं है, उसका मन सात्विक नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसका आहार ठीक नहीं है। वो भी साथ में होटल में आते हैं, वो भी खाते हैं बढ़िया से रात को, वो भी भेल पकौड़ी पानी पूरी सब खाते हैं और उसके भी फोटो निकालते हैं, फोटो निकालकर अपलोड भी करते हैं और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित बड़ा महान मानते हैं कि देखो मैं भी खा गया। लेकिन उसको समझना है कि एक अवस्था थी वो खाने की थी और अब दूसरी ओर मेरी चेतना को ले जाना है। वो मैंने खा लिया युवा अवस्था में, अब मुझे कहीं और की चिंता करनी है, मुझे कुछ और सीखना है, मुझे कहीं और मति लगानी है। तो वो ऊपर उठ पाएगा आहार से, और जितना वो ऊपर उठेगा उतना उसका विकास होगा। नहीं तो फिर वही पुनरपि जननम रपि मरणम, वही खा 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 कर अंतिम में भी वो यदि ऐसा ही संस्कार रहा तो उसकी दुर्गति होगी। तो आयुर्वेद ये पूरा शास्त्र की बात करते हैं तो ये इसमें बताया है कि हमारा आहार वो अवस्था के अनुसार होना चाहिए। तो अवस्था जैसी है उस प्रकार का आहार हमारा हो, जैसा हमारा व्यवसाय है उस प्रकार का आहार विहार हमारा हो। वो ऐसा यदि नहीं होता है तो उसको कहते हैं अवस्था विरुद्ध। आगे अवस्था विरुद्ध आप समझ गए होंगे। अवस्था विरुद्ध के बाद का क्रम आता है वो है अवस्था के बाद, अवस्था विरुद्ध के बाद का क्रम, अवस्था विरुद्ध के बाद है क्रम विरुद्ध। कुछ चीजें क्रम से लेनी होती है, आहार में भी एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होती है। आयुर्वेद में बताया गया है भोजन में पहले मधुर रस को लेना है, उसके बाद अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय ऐसे लाइन से रस लेते जाना है क्योंकि वो एक सीक्वेंस होती है। तो जैसे हम सीक्वेंस से काम करते हैं, पहले स्नान कर लेते हैं उसके बाद भोजन करते हैं, पहले सबसे पहले जो शौच जाते हैं उसके बाद दातुन होता है, उसके बाद स्नान करते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं। तो ये एक सीक्वेंस हो गई उसकी, वो सीक्वेंस के अनुसार हम चल रहे हैं तो वो एक क्रम होता है। अब ऐसा आहार में भी एक क्रम है, ऐसा विहार में भी एक क्रम है, तो वो क्रम का पालन करना है। कोई कोई चीजें उसी क्रम से लेनी है। जैसे प्यास लगी है तो क्रम आएगा पहले पानी का और उसके बाद ही भोजन करना है। प्यास है तब भोजन नहीं करना है। मानो हम बाहर से आए हैं, बहुत प्यास लगी है, भोजन तैयार है, तो प्यास में पहले तो हमको पानी पीना है, थोड़ी देर रुकना है, 15-20 मिनट बैठना है, उसके बाद भोजन को बैठना है। प्यास होगी और भोजन करेंगे तो गुल्म नाम का रोग होगा, पेट की ऐसी व्याधियां होगी जो कभी भी पकड़ी नहीं जाएगी और वो ठीक भी नहीं होगी। आज बहुत सारे ऐसे पेट के रोग दिखाई देते हैं जिसका कोई कारण ही पता नहीं चलता है। कारण पता नहीं चलता है लेकिन कारण होता तो है, तो डॉक्टर पकड़ नहीं पाते हैं। बहुत सारी बातें होती है उसमें, बहुत सारे निदान के साधन होते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, एंडोस्कोपी कराते हैं, वो इधर से देखते हैं उधर से देखते, पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो अननोन होती है, जिसके ध्यान में नहीं आता है लेकिन वो होती तो है। वो बहुत सारे ऐसे विरुद्ध आहार से होने वाली होती है। भूख लग यदि प्यास लग गई और खा लिया, बहुत बड़ी हानि पेट की करेगा, पेट को खराब कर देगा। इसके लिए आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने दो बात बताई। एक तो आपको जब प्यास लगी है तब क्रम आएगा पानी का, तो पानी ही पियो।
और आपको भूख लगी है और आपने यदि पानी पी लिया, बहुत मजदूरों की हम देखते हैं, कोई कोई मजदूर हमारे सामने चले गए, थोड़ी दिन के पहले की बात है, हमारे यहाँ कार्य कर रहे थे, हमारे जो जो लोग गुरुकुल में आए उन्होंने देखा भी होगा कि वो वॉचमैन का कार्य कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, गुरुकुल पे ही रह रहे थे। हमने बहुत बार समझाया था उनको कि आप ऐसा न करें, लेकिन भूख कितनी भी लगी हो पानी पी लेते थे। खेत में से आए, भूख लग गई थी, भूख लगी हो पानी पी लेते थे। भूख लगी और आपने पानी पिया खाए बिना, तो इसके कारण आपको जलोदर हो सकता है, असाइटिस हो सकता है, और उनको यही रोग हुआ, असाइटिस हुआ, जलोदर होगा, और उसके बाद वो व्याधि इतनी दारुण हो गई, इतनी भयंकर हो गई कि वो बच नहीं पाए उससे। तो ये एक बहुत महत्व की बात है कि जब भी आपको भूख लगी हो तब पानी नहीं पीना है, प्यास लगी हो तब खाना नहीं है, वो क्रम के विरुद्ध हो जाएगा। प्यास लगी है तब पानी पीना है, उसके बाद भोजन कर सकते हैं, भूख लगी है भोजन करना है, उसके बाद पानी पी सकते हैं। कब पीना है तो भोजन के बाद पौना घंटा एक घंटे के बाद पीना है, पहले पीना है तो भी पौना घंटा एक घंटे पहले पीना है, भोजन से तुरंत पहले पानी नहीं, भोजन से तुरंत बाद में नहीं, बीच में पी सकते है, यह क्रम हुआ पूरा। प्यास है तब खाना नहीं है, भूख है तब पीना नहीं है, प्यास है तब पानी ही पीना है, जूस नहीं पीने हैं अलग अलग प्रकार के, पहले पानी पीना है बाद में जो कुछ पीना है वो पी सकते हैं। लोग ऐसा करते हैं, और कहीं कहीं तो मुझे इतनी मूर्खता देखता हूं कि पूरा का पूरा पानी की जगह पर कोका कोला में सिंग डालकर वो जब भी प्यास लगती है, हम ट्रैवलिंग में जाते हैं देखते हैं सब कुछ, तो जैसे जैसे प्यास लगी तुरंत ही उसने सोडा उठाई, उसमें सिंग डाली और पी ली कोका कोला। कुछ आगे चल गए, थोड़ा आगे चले और कुछ पिया, क्योंकि प्यास लगती गई वो पीते गए, उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, उससे ग्रहणी नाम का रोग हो सकता है, उसमें अलग अलग प्रकार के व्रण हो सकते हैं अंत में, क्योंकि वो हम अत्याचार कर रहे हैं। शरीर को पानी चाहिए तब पानी ही देना है, जूस भी नहीं देना है उस समय, तो कोका कोला की तो बात बहुत दूर की रह गई, पानी चाहिए तब पानी देना है, वो क्रम है। प्यास लगी है शरीर पानी मांगता है, तो वो पानी ही देना है उसको, तो ये बात याद रखे, वो क्रम। घी के ऊपर पानी नहीं पीना है, मानो घी खा लिया आपने अच्छी तरह से, या घी वाली वस्तुएं खा ली, लड्डू खा लिया, तुरंत पानी नहीं पीना है, उससे अजीर्ण हो जाता है घी का। तो ये आप खास ध्यान में रखें कि क्रम पे, घी खाया है तो पानी न पिए, लेकिन मानो कि पानी पीकर आप घी को खा सकते हैं, तो इसके लिए पानी और घी दोनों है, और दोनों को लेना है तो पहले पानी पी लो उसके बाद घी खाओ, घी खाकर फिर पानी नहीं पीना है। तो ये खास याद रखें, घी वाली चीजें खाई है तो ऊपर थोड़ा सा पानी पिए, लेकिन बहुत पानी न पिए, नहीं तो ये उदाहरण होगा, क्रम विरुद्ध हो जाएगा, हमने क्रम को भंग कर दिया, क्रम चला गया वहां पर, सीक्वेंस नहीं रही। तो ये एक क्रम बताया है आयुर्वेद में, उसी क्रम से हमको लेना है आहार, तो वो सीक्वेंस के अनुसार पाचन व्यवस्था अच्छी होगी तो बहुत सारे रोगों से हम बच जाएंगे। उसके बाद का उदाहरण आता है, क्रम के बाद का परिहार का उदाहरण आता है, परिहार। जैसे हम देखते हैं आहार के बहुत सारे नियम होते हैं, भोजन सेवन करते समय क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, वो एक परिहार होता है, एक विधि होती है, उस विधि में ही हमको भोजन करना है। भोजन करते समय क्या नहीं खाना है, दो वस्तुओं को एक साथ क्या नहीं खाना है, उसका भी हमको ध्यान रखना है। जैसे क्रम बताया कि एक के बाद ये ले सकते हैं, इसके बाद ये नहीं ले सकते हैं, उसी तरह से परिहार का भी ऐसा है, दो वस्तुओं को एक साथ नहीं खाना है, वो विधि परिहार की है कि दोनों एक साथ में न खाए, वो परिहार विरुद्ध कहलाता है। जैसे लोग एक साथ बहुत सारी चीजें मिलाकर खा लेते हैं
तो वो परिहार विरुद्ध में आता है, उसमें भी परस्पर द्रव्य के संयोग भिन्न भिन्न होंगे तो वो अनेक प्रकार के रोग कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि परिहार विरुद्ध छोड़ देना है, अर्थात एक साथ क्या क्या खा सकते हैं उसका भी ज्ञान आपको रखना है, कौन सा द्रव्य और कौन सा द्रव्य एक साथ नहीं ले सकते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है, उसका क्रम भी ध्यान रखना है कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में ले सकते हैं, कौन सा दो द्रव्य मिलाकर नहीं ले सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा परिहार में विधि में आता है कि दोनों को कहां मिला नहीं सकते हैं कोई दो चीजों को। लोग आजकल किसी को भी किसी के साथ मिला कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बहुत हानि होती है, किसके अंदर क्या क्या डालकर खा लेते हैं उससे भी हानि होती है, क्योंकि वो चबा नहीं पाते हैं। जैसे हम अलग 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 वस्तुएं है, उसका एक 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 विधि है, वो विधि को छोड़कर हम किसी भी दो वस्तु को हमको अच्छी लग गई, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को पका लिया और खा लिया, तो हो सकता है कि वो दोनों अलग अलग हो और वो दोनों अलग अलग हो, दोनों के कर्म अलग अलग हो, दोनों के स्वभाव अलग अलग हो, तो अंदर जाकर क्या करेगा। इसके लिए ये जो बहुत सारी विधियां ऐसी आई है जो अनेक प्रकार के वस्तुओं को पकाकर खानी है, तो वो आपको ध्यान रखना है, कभी खा सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि उसके परस्पर यदि दोष में विरुद्ध होगा तो वो बहुत तकलीफ होगी आपको। इसके लिए कभी कभी खाए, लेकिन वो परिहार विरुद्ध में आएगा, वो कभी कभी खा सकते। जैसे बहुत सारे सब्जी को मिलाकर खाना एक साथ, तो ऐसे एक 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 सब्जी के गुण है, लेकिन सभी आपने एक तरह कर दी, तो आलू को पकने में 45 मिनट और उसी के अंदर बैंगन डाला उसको होता है 35-30 मिनट, उसके अंदर और भी कुछ डाला, मटर डाला उसको होता है यदि बहुत कठिन होगा तो 50 मिनट, फिर उसके अंदर और भी कुछ चीजें डाल दी तो उसके अंदर और भी, तो वो चने डाल दिए तो उसके होता है 25 मिनट। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले आहार जब एक जगह पर होते हैं तब एक ज्यादा पक जाता है, एक कच्चा रह जाता है, एक मध्यम पकता है, और सबका मेलन करके हम जब खाते हैं तो कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा जब बार बार होगा तो अपचन होगा। सब्जी सब उत्तम है, लेकिन उत्तम होने पर भी ये सभी का बॉइलिंग पॉइंट, सभी की पाचन की क्रिया में व्यवस्था, सभी का पाचन का टाइम, वो सब कुछ अलग अलग है। इसके लिए हम जब मसालों के विज्ञान के ऊपर लेंगे तो हम बताएंगे कि पहला मसाला कौन सा डालना है, पहले सरसों राई, राजी राई क्यों डालनी है तेल में, उसके बाद जीरा डालते हैं, उसके बाद तेल आ जाता है तो छोंक लगाते हैं सब्जी का, उसके बाद हम नीम डालते हैं, नीम के पत्ते बाद में डालते हैं, उसके बाद हम चटनी धनिया वगैरह डालते हैं, और अंतिम में जाकर हम धनिया का पत्ता डालते हैं, उसको पहले नहीं डाल देते हैं क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत बाद में है, वो तो तुरंत बॉइल हो जाएगा, तुरंत पक जाएगा। तो ये एक क्रम है, कौन सा कब करना है वो हम लेने वाले हैं मसालों का, जब हम लेंगे कि रसोई घर के मसाले का क्या महत्व है एक सेशन कभी लेंगे, लेकिन इसका बहुत महत्व है कि कौन सी सब्जी को एक साथ मिलाए नहीं, कौन से आहार द्रव्यों को मिक्स न करें। वैसे ही मांस और शाकाहार में है बहुत सारी चीजें, लोग भात और मछली खाते हैं तो दोनों का अलग अलग स्वभाव है, कोई 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 दूध के साथ मांसाहार करता है, ऐसे मांसाहार छोड़ ही देना है, नहीं ही करना है, लेकिन कोई करता है तो भी ऐसे द्रव्यों के साथ करता है जो दोनों द्रव्यों के अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग कर्म है, कितने दिन तक शरीर सहन कर पाएगा उसका ये अत्याचार। इसके लिए कहीं ना कहीं घोरान व्याधिन विसृजति, घोर प्रकार की रोग को होती तो करती है ये, और ये जो रोग होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये हमारा अज्ञान है। इसके लिए आयुर्वेद का ये बड़ा साइंस परिहार विरुद्ध का, कि एक साथ किसको नहीं खाना है, एक साथ किसको नहीं मिलाना है, वो विज्ञान बताता है आयुर्वेद का। तो ये आज हमने इतना देखा परिहार विरुद्ध के ऊपर, आगे उपचार विरुद्ध से लेकर और विरुद्ध का क्रम है, बहुत ही रस वाला विषय है ये, आप धीरे धीरे उसको समझते जाइए, जानते जाइए और उसको कंठस्थ और हृदयस्थ कर लीजिए, कि ताकि कभी भी आपके सामने आहार आए तो आपको ये पता चले कि इस प्रकार के आहार हमको नहीं लेने हैं, इस प्रकार के आहार का सेवन हमको नहीं करना है।
तो इसके लिए आहार के बारे में तो आयुर्वेद में बहुत कुछ है, आज इतने तक हमने देखा है परिहार विरुद्ध के तक, अब आगे हम उपचार विरुद्ध से अगली बार शुरू करेंगे। प्रश्नोत्तरी का समय है, थोड़ी इसके ऊपर विरुद्ध आहार के ऊपर जो मैंने पिछली बार भी सेशन लिया था इस बार लिया, इसके ऊपर कोई प्रश्न है तो बताइए। एक बात याद रखे, जो सेशन जो विषय चल रहा है उसके विषय के अनुरूप ही प्रश्न पूछे, ताकि लोग उस हेतु से जुड़ते हैं, उसको ये समय इसके कारण इसका ही होता है, तो वो समय पर वही बात हो तो वो अच्छा रहेगा। दूसरे कोई प्रश्न है तो उसके लिए दूसरा सेशन होता है, दूसरी व्यवस्था होती है। तो ये दो सेशन में जिसको कोई समझ ना आया हो वो पूछ सकते हैं, वो प्रश्न हम शुरू करते हैं अभी। आचार्य जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। एक तो छोटा आपको धन्यवाद करना था, अपना वॉलंटियर श्रीशैल जी का पूरा, आप जैसे बोले थे वैसे गर्भ संस्कार से स्टार्ट करके पूरा हमारा दवाई लिए थे उनको। आज सुबह 4 बजे लड़की नॉर्मल डिलीवरी से लड़की हुई थी। ये महत्व, आयुर्वेद का महत्व जो है लोगों को समझाने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी भी हो और लड़की, दोनों बहुत हेल्थी है। और मन के आप जैसे बोले थे वो ऐसे वही ग्रंथ पढ़े थे, वैसे मंत्र जपे थे, जैसे गीता जो भी श्लोक जो सब कुछ किए थे। तो मन से वो कैसे जो बाद में पता चलेगा, शरीर तो स्वस्थ है लेकिन कैसे संस्कार से, कैसे संस्कार आए हैं उसके बाद में कैसे भी हम लोग स्वर्ण प्राशन देने वाले हैं। तो कैसे कितना जो है मन से कितना बुद्धिशाली होगी, सुगुण संपन्न राशि होगी। तो ये जो है बाद में भी हमें मैं अपडेट करूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। श्रीशैल जी भी आपको है अभी सुन रहे, तो यस आचार्य जी। तो एक कोष्ठ विरुद्ध सेशन का एक ये आचार्य जी, कोष्ठ विरुद्ध कोष्ठ क्या है मुझे पता नहीं, मज्ञान है को, और कैसे जानना है, कैसे पहचानना है मेरा कोष्ठ कैसा है। देखिए एक दो चीजें मैं बताता हूं, आप आसानी से कोष्ठ को पहचान सकते हैं। जैसे कि आपका पेट साफ नहीं होता हो तो आप क्या लेते हो तो हो जाता है, किसी को त्रिफला चूर्ण से ही हो जाता है तो वो मृदु कोष्ठ में आएंगे, हरड़ से हो जाता है मृदु कोष्ठ में आएंगे वो लोग। लेकिन आपको मानो कायम चूर्ण लेना पड़ता हो, आपको सनाई पत्ती वाला कोई भी चूर्ण लेना पड़ता हो तो वो थोड़े क्रूर कोष्ठ वाले आएंगे। आप समझ गए ना, आपका पेट साफ किससे होता है उससे आपका कोष्ठ पता चल जाएगा बराबर। तो ये एक एक एंगल है कि आप कैसे कोष्ठ वाले हो। दूसरी बात, आप यदि कभी कभी भारी भोजन कर लेते हो तो आपको पच जाता है कि नहीं पचता है, तब बेचैनी होती है, तब थोड़ा बेचैनी जैसे पचता नहीं, रात को भूख ही नहीं लगती, ऐसा होता है जैसे लड्डू खा लिया किसी ने, दोपहर में दो तीन लड्डू खा लिया फिर शाम को भूख ही नहीं लगेगी, तो मानो मृदु कोष्ठ वाला है, उसको पचा ही नहीं है तो उसको देर लगेगी उसके शरीर को, तो दूसरे दिन तक वो पचा पाएगा, तो शाम को भूख नहीं लगेगी तो भी लोग खा लेते हैं। लेकिन हमको जानना है, सीखना है कि जब हम भारी भोजन करते हैं तब हमको पच जाता है, भूख लग जाती है दूसरे टाइम या नहीं लगती है, तब हमारा पेट साफ हो जाता है या तकलीफ होती है। तो ऐसे कोष्ठ में आप पहचान सकते हो कि दो बातें, एक तो जब आप कोई पेट साफ करने वाली औषधि लेती हो लेते हो तो आपको वो हो जाता है त्रिफला से हरड़ से, तो आपका मृदु कोष्ठ रहेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो वो क्रूर कोष्ठ रहेगा। भारी भोजन जब करते हो तब आपको पचता नहीं है, भूख नहीं लगती है दूसरे समय, खाने के बाद बेचैनी लगती है, तो आपका मृदु कोष्ठ है, वो भारी खुराक आप पचा नहीं पाते हैं। माला जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। प्यास होते तो पानी के बदले में हम लोग क्या छाछ पी सकते हैं क्या? कब? और प्यास ए नहीं कब? प्यास 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 होए प्यास तो नहीं, फिर कल्प पानी। करते हैं जब, नहीं एक मिनट, आप कोई कल्प करते हो, आयुर्वेद में एक व्यवस्था कल्प की दी हुई है। कल्प की व्यवस्था में ऐसा होता है आपको एक ही द्रव्य पर रहना होता है, जैसे तक्र कल्प करते हैं तो छाछ ही पीनी होती है, तो कल्प की बात अलग। दुग्ध कल्प करते हैं तो दूध पे ही रहना होता है, सबसे उत्तम तक्र कल्प बताया है। छाछ के कल्प को करते हुए बहुत लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस मिट गया है, जो एलोपैथी में जिसको असाध्य माना जाता है। एलोपैथ के कोई भी डॉक्टर को आप पूछ लो अल्सरेटिव कोलाइटिस की कोई दवाई, कोई नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग होता है मल मार्क से, तो वो होता ही रहता है।
उसके लिए कोई दवाई नहीं, लेकिन आयुर्वेद में तक्र कल्प से वो रोग मिट सकता है ऐसा बताया है। अर्श होगा, पाइल्स होगा तो केवल छाछ पीकर रहने को आयुर्वेद में बताया है। तो ऐसी कोई अवस्था न हो तब पानी की जगह पर और कुछ नहीं पीना है, पानी मतलब पानी ही पीना है बराबर। तक्र और आयुर्वेद पानी में फर्क है, इसके लिए भोजन के बाद आप छाछ को पी सकते हैं, पानी को नहीं पी सकते हैं बराबर है, ये दोनों फर्क है। भोजन के बाद क्या बताया, छाछ अवश्य पीओ ऐसा बताया और पानी नहीं पीओ ऐसा बताया। भोजन तक्रांतम खलु भोजनम, भोजन छाछ को से ही पूरा होना चाहिए और भोजन के अंत में पानी नहीं पीना है ऐसा बताया। तो पानी और छाछ दोनों अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। प्यास लगी है तब और कुछ नहीं पीना है, केवल और केवल पानी पीना है। दूसरी बात, छाछ और ऐसे द्रव्य है वो अकाल तो नहीं लेने हैं, कभी भी आप ले सकते हो ऐसा नहीं है, उसका एक समय निर्धारण है, वो भोजन के बाद पीनी है, बस पी ली बस। अब फिर 2 बजे भी पी, 4 बजे भी मन हो गया मेहमान आ गए पी ली, 6 बजे भी पी ली, क्योंकि नेचुरल है तो ऐसा नहीं करना है। आयुर्वेद मानता है सभी चीजें नेचुरल है लेकिन सभी का एक समय है, तो ये भी आप ध्यान रखें। आज लोग क्या है अति कर देते हैं, मानो 2 बजे तो भी पी लेते हैं, और कोई कोई लोग कहता है ये बच्चा मेरा 8 गिलास छाछ पीता है। गुरुकुल में एक एडमिशन के लिए आए थे, वो बोले कि एक बच्चा हमारा 8 छाछ गिलास और 4 गिलास दूध। तो मैंने कहा इतना तो हमारे यहाँ है ही नहीं, वो बोले नहीं इतना मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन ये पीता है समय बता रहा हूँ। तो मैंने कहा वो गुण मानते हैं कि दोष मानते हैं आप, वो बोले गुण है क्योंकि इतना पी सकता है, इतना पीता है। तो मैंने कहा वो दोष है, इसको आप बंद करवाइए, क्योंकि वो बोले ये तो नेचुरल है, हमारे घर की छाछ है। तो घर की भी छाछ होगी, घर का भी जहर होगा तो चढ़ेगा तो सही ना, घर का भी सांप होगा वो काटेगा तो मर तो जाएगा ना व्यक्ति। तो ऐसा है, एक मात्रा सीती है, एक मात्रा निर्णित है, इतनी मात्रा में पीना है तो इतना पी लिया। अब कब आएगा, अब जब क्रम आएगा तब। प्यास ऐसी वस्तु है जो आप शरीर पानी मांगता है तो पानी ही देना है, उसके अलावा उसको कोई जरूरत नहीं। आगे जैसा आपने बताया कि घी के साथ पानी नहीं ले सकते, लेकिन घी के साथ गर्म पानी तो ले सकते हैं ना, जैसे मैं अभी ब्राह्मी ग्रीट लेता हूँ तो उसके साथ गर्म पानी में लेता हूँ तो वो ठीक है। अब आप वो घृत की औषधीय घृत की बात कर रहे हैं, औषधीय घृत के अनुपान में ठंडा पानी नहीं चलेगा, इसके लिए आप गर्म पानी की बात कर रहे हैं ना जो। तो हेलो, तो औषधीय घृत के साथ आपको यदि स्नेहन करना है मतलब औषधीय घी, तो आप गर्म पानी के साथ वो ले सकते हैं, वो चलता है, वो औषधीय घी की मैं बात करता हूँ, लेकिन वो ठंडा पानी नहीं चलेगा उस समय जी। नॉर्मल घृत भी आचार्य जी, काने में जो घृत ले लिए तो गर्म पानी, उसके ऊपर पानी पीने की जरूरत ही नहीं है, वो पानी नहीं पीना है किसी भी प्रकार का। जो घी खाया उसके बाद पानी पीने की जरूरत नहीं, पानी नहीं पीना है, थोड़ी देर के बाद पीना है, पीना पड़े तो गर्म पीना है, ठंडा तो बिल्कुल नहीं पीना है। पानी की तासीर ऐसे ठंडी है तो इसके लिए घी के ऊपर उसको मना किया गया है। वास्तव में गर्म पानी पी, तासीर तो ठंडी होती है लेकिन गर्म होने के लिए वो इतना नुकसान नहीं करता है, स्नेहन के लिए उपयोग में आता है। इसके लिए जब जब घी की बात आई, घी के अनुपान की बात आई, तो पानी को गर्म ही लेने को बताया है, घी के साथ ठंडा पानी नहीं चलता है। साधारण घी खा लिया तो ऊपर पानी ही नहीं पीना है, पीना पड़े तो गर्म पीना है थोड़ा बहुत जी। भगत जी, गुरु जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने विलय के बारे में बताया, विरुद्ध होते हैं उष्ण और शीत विलय, तो जैसे दूध है वो ठंडा है, उसके साथ में जो हल्दी लेते हैं और शहद भी ठंडा है, उसके साथ अदरक लेते हैं, तो ये मात्रा कम है, औषधि के रूप में ले रहे हैं इसलिए चल जाएगा, इसमें हल्दी चल जाएगी। एक हल्दी का वीर्य उष्ण होते हुए भी बहुत कम मात्रा में हल्दी हम डालते हैं बराबर है, तो हल्दी चल जाएगी दूध के साथ, लेकिन दूध के साथ अदरक जो लेते हैं वो रोज नहीं चलेगा, प्रतिदिन नहीं चलेगा, वो दूध के साथ अदरक वो विरुद्ध हो जाएगा। तो दूध के साथ अदरक नहीं लेना है, दूध के साथ हनी इसलिए नहीं लेना है क्योंकि दूध को ठंडा नहीं पीना है और हनी को गर्म नहीं करना है। आप देखिए दोनों को साथ में लेने की जरूरत नहीं है, दोनों क्यों साथ में लेते हैं, मतलब आपको इकट्ठा क्यों करना है दोनों को, वो एक बड़ा प्रश्न आता है ना। तो ये एक
मतलब बहुत सोचने की बात है। लोग ये कहते हैं कि मैं इसके साथ ये ले सकता हूँ कि नहीं, उसके साथ वो ले सकता हूँ कि नहीं। तो पहला प्रश्न ये होता है कि उसको आपको क्यों लेना है। दूध ऐसे ही नॉर्मल पीजिए, आप थोड़ी हल्दी डाल दीजिए ताकि दूध विकृति में कफ ना हो, तो हल्दी का बताया है, हल्दी से नुकसान नहीं होगा, और भी बहुत सारे गुण हल्दी में है। लेकिन आपको हनी लेना है तो अलग से हनी ले आप। दूध के साथ डालकर क्यों लेते हैं आप? क्योंकि दूध के साथ यदि डाला तो दूध को तो आपको गर्म करना है, हनी को गर्म नहीं करना है। दूध को ठंडा नहीं पीना है, हनी को गर्म नहीं करना है। तो दोनों को जब आप साथ में लेंगे तो तकलीफ होगी। इसके लिए हनी आप खाइए लेकिन दूध के साथ ना ले। दूध अलग से खाए, हनी उसके बाद खाए। जी हरणी जी, प्रणाम आचार्य जी। आप जब क्रम के बारे में बात कर रहे थे तो आपने बोला जब भूख लग रही है तो पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम व्रत रख रहे हैं और फास्टिंग कर रहे हैं तो भूख तो लगती है, लेकिन अगर हम सॉलिड खाना नहीं खाते हैं तो पानी पी सकते हैं क्या? अब व्रत और उपवास के लिए आयुर्वेद में कुछ नियम बताए हैं। वो व्रत के हिसाब से आप व्रत करेंगे तो वो आपको स्वस्थता बढ़ती जाएगी, अजीर्ण नहीं होगा। आजकल के जो व्रत रख रहे हैं वो तो दो पारणे के बीच में एक उपवास होता है, मतलब दो पारणा है और एक उपवास बीच में है, मतलब पारणा अगले दिन से चालू होता है। कैसे? कल व्रत है तो आज से हमको दशमी के दिन से ऐसा होता है कि कल एकादशी है ना, आज ज्यादा खा लेते हैं, तो दोपहर में खा लिया, रात को खा लिया, शाम को खा लिया। और कल भी क्या है, आलू की चिप्स है, आलू की भाजी है, बहुत कुछ वस्तुएं है ऐसी, और पूड़ी और भजी और क्या क्या, और बाहर क्या आते हैं वो दूसरा है। और इस तरह के एकादशी करते हैं और बाद में फिर दूसरे दिन पारणा होता है सुबह में। तो ये तो हमने हंसी उड़ाई व्रत की या क्या कर दिया। इसके लिए व्रत का एक नियम है, पहली बात उसमें भूख के आवेग को अवश्य रोकना होता है। भूख तो लगती है लेकिन उसके आवेग को रोकना होता है, उसको हमको मन को मजबूत बनाना होता है। इसके लिए सर्वप्रथम व्रत जब भी हो तब उसको पानी ठंडा नहीं पीना है। यदि व्रत में आपने ठंडा पानी पिया तो आप उदर रोग के शिकार हो जाओगे, सभी प्रकार के उदर रोग की संप्राप्ति वहां होती है। सभी प्रकार के उदर रोग का एक बहुत बड़ा कारण पेट खराब होने का, खास करके मैंने इस्कॉन में मेरा प्रवचन था दिल्ली में ब्रह्मचारी, तो उसमें मैंने यही बात बताई थी कि आप व्रत रख रहे हो वो कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो व्रत व्रत की तरह ही रखिए, फिर अपनी तरह से ना रखिए। हम रख रहे हैं तो व्रत, लेकिन सोच रहे हैं हम अपना कि अच्छा व्रत में क्या क्या करना है, तो ये वो अपने रीत से कर रहे हैं। तो व्रत व्रत की तरह रखिए। तो व्रत की तरह रखने का मतलब क्या है कि व्रत में क्या कहना है, तो पहले गर्म पानी पीना है पहली बात, वो भी आपको प्यास ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, इस अवस्था में आपको रहना है। आप काम बहुत कर रहे हैं, काम बहुत करेंगे भूख आपको लगेगी, भूख में खाना नहीं है तो आपको कन्वर्ट होगी, प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी और पानी ज्यादा पिएंगे आपको हानि होगी। इसके लिए उपवास में आपको आराम करना है, चिंतन मनन ध्यान निधि ध्यासन ये सब करना है। इसके लिए ये उपवास का बहुत बड़ा विज्ञान ऋषि मुनियों ने दिया था, लेकिन आज तो बिल्कुल मजाक हो गया उपवास मतलब। तो उपवास में गर्म पानी उबालकर ठंडा किया हुआ रख ले, मनन चिंतन में बैठ जाए, बातें न करे क्योंकि वाक क्षय भी होता है, हम बात करते हैं तो भी हमारी शक्ति का क्षय होता है, प्यास लगती है, और ज्यादा प्यास लगी वो भी बहुत अच्छा नहीं है, तो ज्यादा पानी पिएंगे जलोदर हो सकता है। तो उपवास करते हैं तो एक ध्यान रखे आप, कम से कम बोलना है, हो सकता है तो मौन रख देना है, कम से कम आवागमन करना है, अपने शरीर को हिलाना डुलाना कम से कम है ताकि प्यास और भूख कम से कम लगे हमको, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि जब भी प्यास लगे तो पानी पीना है, पानी के प्यास के आवेग को नहीं रोकना है। इसके लिए मैं इसके खिलाफ हूँ और सभी आयुर्वेद के ग्रंथ उसके खिलाफ, निर्जला नहीं करनी है तो उससे हानि होती है। तो इसके लिए पानी प्यास के आवेग को नहीं रोकना है, आप उपवास करो लेकिन पानी पियो गर्म गर्म। किसी जमाने में निर्जला होती थी वो बात अलग थी, अभी हमारा आहार उस तरह का नहीं है, अभी हमारी शरीर स्थिति उस तरह की नहीं है, अभी हमारे तरफ का उस तरह का हमको औषध भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब शरीर के दृष्टि को देखते हुए हम कहते हैं कि अनेक व्याधियों से बचना है तो धर्म धर्म की रीत से करे, अपनी रीत से नहीं।
उपवास उपवास की रीत से करें तो गर्म पानी ले लीजिए, गर्म पानी में ये करके बाद में आप थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, और उसी समय आप सही वाचन पठन मनन ये सब करें ताकि उपवास मतलब समीप में आत्मा के समीप आप जा सके, ऐसी क्रिया को उपवास बताया था। तो इसके लिए ये आप ध्यान रखें कि मन को डाइवर्ट करना है, फूड को चेंज नहीं करना है। आज हम क्या करते हैं कि फूड को चेंज करना भी उपवास है कि एक 15 दिन अन्न खाते थे, आज आलू का सीरा खा लिया, राजगिरा का सीरा खा लिया, सिंगाड़े का सीरा खा लिया और कर लिया उपवास हमने, तो ये उपवास ठीक नहीं। उपवास में पानी गर्म पीजिए, तीन बातें याद रखे मैंने बताई वो तीनों तीन बातें, उसका आप पालन करिए जी। आगे सिमरन जी। हाँ जी, नमस्कार गुरु जी, मैं टेक्सास से बोल रही हूँ। आपने बताया कि 6 प्रकार के जो हम भोजन लेते हैं कई बार उनसे हमें अंदर नुकसान हो सकता है। आपने संस्कृत का श्लोक पढ़ा जिसमें बताया कि अत्यंग पानांग और विषयम, तो अधिकतर अगर हम पानी पी लेते हैं या प्रेजर्वेटिव्स वाला फूड खाते हैं तो बाकी प्रकार नहीं पता चले। सो ये दो तो पता चले, बाकी कौन से हैं गुरु जी? अत्यंगपानात विषमाशनाच दिवाशयात। दिन में जो लोग मानसिक रूप से परिश्रम करते हैं उसको केवल आधे से 1 घंटे सोना है, ज्यादा नहीं सोना है, या तो सोना ही नहीं है बिल्कुल। लोग दिन में सोते रहते हैं 2-3 घंटा और रात में जागते रहते हैं, तो इसके लिए दिवा शयन से रात्रि के जागरण से ये दो बात बताई कि दिन में सोने से भी रोग बढ़ते हैं, रात में जागने से बढ़ते हैं, क्योंकि कुदरत की प्रक्रिया ये है रात्रि सोने के लिए है। आगे बताया संरोधनात मूत्र पुरी शयोश्च, मूत्र का और मल का जब हम आवेग को रोकते हैं तो बहुत प्रकार के रोग होते हैं। तो ये भी हमको पता है कि हमका हमारा बिजनेस अलग जगह पर होता है, पूरे दिन ऑफिस में बैठना होता है, तो बहुत स्थिति ऐसी आती है हमको मूत्र मतलब यूरिन पास करने की इच्छा होती है, कर नहीं सकते है, ट्रेन में जा रहे हैं कहीं लोकल पे, मुंबई में जा रहे हैं मुंबई की लोकल में, तो मल का मूत्र का संरोधन होता है। तो ये 6 प्रकार से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। संरोधनात् मूत्र पुरी शयोश्च षड्विध प्रकार ही प्रभवंती रोगा, 6 प्रकार से ये रोग होते हैं। तो ये बताया है ये 6 कारण को दूर कर देना है हमारे जीवन से, तो हो सकता है उतना कम से कम हम इसका ये करें जी। मधुर जी। हेलो सर, नमस्ते सर। सर अगर जैसे ये निर्जला व्रत रख लिया हो और उसके बाद अब तबीयत ना ठीक रहती हो, कुछ भी खाए गर्मी लगती हो, तो पित्त बढ़ गया, बात बढ़ गई, ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो क्या कर सकते हैं? उसमें पहले तो मैं ये सभी बहुत सारे लोग हमारे पास वैष्णव को फॉलोअर्स आते हैं वैष्णव धर्म के, और एक मैं आचार जानता हूँ हमारे घर पे भी ऐसा सब था फैमिली वैष्णव। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, कुछ बातें तो आप छोड़ दें क्योंकि उस प्रकार का आहार अभी नहीं है, उस प्रकार की जीवन व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए कुछ बातें तो छोड़नी पड़ेगी ही आपको, नहीं तो आप उससे ज्यादा दवाई से हानि होगी। तो जब शरीर को मैंने पहले बताया निर्जला कोई ना करे, क्योंकि निर्जला में अभी का शरीर ऐसा नहीं है कि जो जल का आवेग को सहन करे, उसके लिए आप बल से सहन करते हैं तो शोष नाम का रोग हो सकता है, गले की कोई तकलीफ, पित्त का बढ़ जाना और विकृत हो जाना होता है। अब ऐसा हो गया हो यदि तो आपको जो कुछ शीत द्रव्य है उसका सेवन करना है, जैसे गुलकंद हो गया, जैसे सौंफ का पानी हो गया। आप एक बात याद रखें, मानो निर्जला कर ली तो आपके दूसरे दिन सौंफ का पानी, इलायची, गुलकंद और शर्करा ये सभी आपके आहार में होने चाहिए, तभी वो पूर्ति होगी जल द्रव्य की। अभी हमारा क्या होता है कि निर्जला कर ली और दूसरे दिन जो नमकीन वाले पैकेट आते हैं वो पैकेट से हमने पारणा किया, अब एक तो पित्त बड़ा था, जल का ऐसे ही शोषण हो गया था शरीर में से, और ये स्पाइसी द्रव्य हमने खा लिए, तो इसमें उरक्षत नाम का रोग होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, और ये हमारे मुख में छाले हो सकते हैं, और हम कहते हैं कि ये तो होता रहता है, या तो ये तो शरीर का है, ये तो होगा, ये सभी मूर्खतापूर्ण बात है।
शरीर को शरीर की तरह ही देखना होता है, वो एक यंत्र है। गाड़ी को हम कैसा रखते हैं, कभी उसमें पेट्रोल की जगह डीजल डालते हैं, भूल से भी नहीं डालते। आप कितनी गाड़ी आप घुमा रहे हो, उसमें कभी ऐसा बना कि आपने पेट्रोल की गाड़ी है और आपने डीजल डाल दिया? कितना ध्यान रखते हैं उसमें, डीजल वाली गाड़ी तो डीजल ही डालते हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी तो पेट्रोल ही डालते हैं, उसमें भले ही लाइन लगी हो और डीजल वाला खाली हो बिल्कुल। तो मैंने बताया कि एक बार ले लो ना, वहां डीजल डाल दो, क्या होगा? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। बात चल रही थी एक दिन मैं गाड़ी में गया एक व्यक्ति के साथ बंबई में, वो मुझे पूछ रहा था कि ये सब क्यों करना, ये सब क्यों करना, ऐसा आहार क्यों लेना, आप ऐसा समझा रहे हो लेकिन सब जी तो रहे यहाँ पर, ऐसा वो खाना वो नहीं खाना। तो बात चल रही थी, अब मेरे कर कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसा आ जाता है कि ऐसे किसे, तो काउंटर क्वेश्चन से हम उसका सोल्व करते हैं। मैंने कहा कि इसके ऊपर मुझे बताना कुछ भी, वो तो भैंसा के आगे मैं भागवत पढ़ू ऐसा होगा। तो इसके लिए मैं सोच रहा था तो एकदम पेट्रोल आ गया, लाइन लगी थी पेट्रोल में, तो वो वहां पर पीछे वाली गाड़ी उसने खड़ी कर दी, सामने मैंने देखा डीजल में बिल्कुल कोई नहीं था। तो मैंने कहा भाई वहां कोई नहीं है, वहां चलो। तो बोले नहीं, ये तो डीजल का है और ये पेट्रोल भराना है। मैंने कहा पेट्रोल से क्या, कोई ईंधन तो है ना, आप डाल दो ना डीजल, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। वो बोले बोले क्या आप कह रहे हैं, आप गाड़ी का कुछ जानते हैं? तो मैंने कहा अभी आप जो पूछ रहे थे, आप शरीर का कुछ जानते हो? जब आप गाड़ी में पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकते हो, आधे घंटे खड़े रहकर पेट्रोल ही डालते हो, तो शरीर में कुछ भी डालोगे। तो इसके लिए आपको यदि जो हो गया है जो पानी के शोष की वजह से, बहुत प्यास की वजह से, तो उसको शोष नाम का एक रोग होता है जो हमारे शरीर में पित्त की अधिकता कर देता है। तो आपको क्या करना है, सौंफ वाला पानी पीना है, गुलकंद खाना है, इलायची का सेवन करना है, ठंडे और शीतल द्रव्यों का सेवन धीरे धीरे करना है, तो एक या डेढ़ महीने में शरीर का संतुलन हो जाएगा, जल तत्व की पूर्ति हो जाएगी। ये नहीं हुई तो आगे आगे जल सूखता जाएगा, तो अनेक प्रकार के रोग शरीर में होंगे जल तत्व की कमी की वजह से। तो ये खास ध्यान रखे, निर्जला करना है पड़े, मानो आपकी श्रद्धा है आपको करना है तो करे, लेकिन फिर 3 दिन तक आपका ये संयम होना चाहिए कि कोई भी प्रकार के स्पाइसी द्रव्य आपके आहार में दूर दूर तक 5 दिन या 7 दिन तक नहीं होने चाहिए, पहले भी 3-4 दिन तक नहीं होने चाहिए, तो आप करिए निर्जला तो कर सकते हैं, लेकिन इतना संयम हो तो। फिर निर्जला करके जो भी मन में आए वो खाना है, ऐसी निर्जला का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, तब तो हमने मन का संयम ही नहीं रखा है, क्या बात है, फिर निर्जला करने का क्या अर्थ रह जाता है। तो ये एक बात थी जी। आगे प्रकाश जी। जी प्रणाम गुरु जी। जी आपने भोजन कैसे करें ये क्रम बताया था, तो आपका जो लैंग्वेज है, हम लोग को थोड़ा मराठी भाषा जानते है ना, तो जो क्रम है मुझे बहुत जरूरी लगा वो क्रम, तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा धीरे से बताए तो हम लिख भी ले। भोजन में सबसे, एक मिनट में बता देता हूँ, भोजन में सबसे पहले मधुर पदार्थ, भारी पदार्थ होता है, मिठाई वगैरह होती है वो सबसे पहला मधुर, फिर अम्ल अर्थात खट्टा, फिर लवण पदार्थ जो खारा स्पाइसी होता है, वो जैसे कुछ कुछ में नमक आ जाता है, ऐसे पदार्थ यदि हो तो वो खाना है, कटु अर्थात तीखे पदार्थ जिससे चट्टाग्नि तेज होगी, फिर तिक्त अर्थात कोई कड़वे पदार्थ है तो बाद में, और फिर आगे जाकर कसैले पदार्थ जो तुरे होते हैं, जो छाछ है, हरड़ है, हमारे सभी प्रकार के मुखवास है वो कसैले रस वाले है, तो इसके लिए उनका क्रम अंत में रखा है, भोजन के अंत में रखा है, क्योंकि वो पाचन करते थे, भोजन के अंत में वायु बढ़ता है और वायु बढ़ने, वायु को शमन करने के लिए ऐसे द्रव्य भोजन के अंत में रखे गए। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं, एक तो च्यवनप्राश दूध के साथ लेने का बचपन से आदत है, तो क्या हम कषाय को दूध के साथ ले सकते हैं? च्यवनप्राश को च्यवनप्राश की तरह ही गिनना है, क्योंकि वो एक आयुर्वेद की कल्पना है, उसमें आपको एक रस प्रधान नहीं है, वो पहली बात, क्योंकि वो एक कल्पना हो गई तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होंगे, तो इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि सूखे आंवला एक अपवाद रूप में है,
दूसरे फल दूध के साथ विरोध में है, लेकिन आंवला दूध के साथ विरोध में नहीं है, इसके लिए आप ले सकते हो। च्यवनप्राश का बहुत ग्रंथों में दूध के अनुमान के अनुपान के साथ ही च्यवनप्राश को लिखा है, इसके लिए च्यवनप्राश ले सकते हैं आप, क्योंकि वो कल्पना हो गई, उसको रस से नहीं मैच करना है, आप समझ गए ना, उसमें सिंगल द्रव्य नहीं है, वो बहुत प्रकार के होकर प्रोसेस होकर एक निर्मित होता है, वो एक प्राशन है, तो ये एक कल्पना है, इसके लिए आप ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है कि पत्नी पोहा बनाती हैं जब, तो जो पोहा होता है उसको पहले वो थोड़ा पानी में और थोड़ा दूध में उसको भिगो के फिर वो बनाती हैं, तो दूध, लेकिन फिर उसमें नमक डल जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये विरुद्ध हो गया। हाँ, अब देखिए, नमक और दूध जहाँ संयुक्त होंगे वहां विरुद्ध आ जाएगा, इसके लिए नमक को छोड़ देना है, उसको नमक की जरूरत नहीं, नमक की जरूरत है तो आप सूखा चूड़ा बनाइए, तो उसके फिर दूध का संयोग न करें, तो इसके लिए दो बातें हैं, या तो पोहा है उसको दूध के साथ आपको लेना है तो उसमें नमक नहीं डालना है, यदि आपको नमक डालना है तो दूध के साथ नहीं लेना है, जी विरुद्ध हो जाता है। प्रणाम गुरु जी, आपने कहा कि दही को गर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम कढ़ी बनाते हैं तो वो छाछ की बनानी, अच्छा छाछ को छाछ की बनानी है, छाछ के गुण अलग है, छाछ की कढ़ी बनानी है, दही की कढ़ी नहीं बनानी। अच्छा, और दूसरा आपने कहा कि उपवास में गर्म पानी पीना चाहिए, तो गर्म पानी मतलब पानी पीते समय उसका तापमान गर्म होना चाहिए या पहले से? नहीं, ऐसा नहीं, उबाल कर आप ठंडा किया हुआ पी सकते है। अच्छा, तो इस तरह से, लेकिन पीना है तो उबाल कर ठंडा किया हुआ है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहना चाहिए, और अभी साधन है, आप थोड़ा गुनगुना उसको रख सकते हैं, मतलब पूरा दिन तक कोई बोतल वगैरह में भर के, तो बहुत अच्छा है उसका। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम आचार्य जी, एक मिनट, ये पानी का पूरा करते हैं। प्रणाम आचार्य जी। जी, आप जितना कुछ बता रहे हैं वो सब हमें ऑनलाइन कहीं पूरा विस्तार में मिलेगा या फिर कोई किताब हो जिसमें हम पूरा एक साथ जान सके, क्योंकि ये बड़ा एक बड़ा सा विषय है जिसपे शायद हम सारी चीजें एक बार में पूछ भी नहीं सके, और कब कब ये चीजें। अभी ऐसा है, विचार किया है कि पुस्तक हम लिख रहे है, एक आहार के ऊपर आ जाएगी, एक 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 विषय को लेकर लिख रहे है, तो पुस्तक में ही सही होगा, कुछ कुछ वीडियो बनाएंगे लेकिन उसकी मर्यादा रहेगी, तो पुस्तक में आपको मिल सकता है, एक बात। दूसरा, इसी प्रवचन को आप जैसे संपूर्ण स्वदेशी पर वीडियो आ जाता है तुरंत, संस्कृति गुरुकुल की वेबसाइट पर भी आ जाता है, यूट्यूब की चैनल पर भी आ जाता है, तो इसी वीडियो को आप कहीं से भी सुन सकते हैं, तो दूसरी बार भी आप सुनेंगे तो आपको एक थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या उसका महत्व है, और पुस्तक भी बन रही है और उसमें तो इससे भी डिटेल आएगी पुस्तक में, तो क्योंकि बहुत सारे प्रमाण लेकर हम उसका विवरण करेंगे ताकि आसानी से हम समझ पाएंगे एक एक विरुद्ध कि, और हमारे आहार को हम ध्यान देंगे कि इसमें कोई चीज विरुद्ध तो नहीं आ रही है, विरुद्ध का तो समन्वय नहीं हो रहा है कहीं पर, तो ये आपने अच्छा बताया कि पुस्तक हम अभी का क्रम आएगा, बहुत सारे विषय है, उसके बाद ये विषय का क्रम आकर विरुद्ध आहार की हम पुस्तक करने वाले हैं। जी नमस्कार गुरु जी, जी नमस्कार। वायु जब बढ़ जाता है तब कौन से पदार्थ छोड़ देने? वायु जब बढ़ता है तब आपका वायु का गुण होता है रुक्ष, तो रुक्ष पदार्थ छोड़ देने हैं, जैसे आलू है, जैसे मटर है, जैसे कंदमूल है, अनेक प्रकार के, जैसे रुक्षता करने वाले कोई पदार्थ है ऐसे, जिसको किसी प्रकार के वो जो भारी पदार्थ कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ को आपको छोड़ देना है जब वायु के रोग होते हैं तो, और उसके विपरीत गुण है स्निग्ध, तो स्निग्धता किस में है? तेल में है, तिल तेल में है, तिल तेल में स्निग्धता है, तो तिल का तेल का सेवन करना है, तिल के तेल से मसाज करना है, तिल का तेल का सेवन करें, मसाज करें, स्निग्ध पदार्थ को खाना है, घी में छोंक देकर, घी में साथ सब्जी काई, वो बहुत स्निग्ध होती है, तो वो खाना है, तो इसके लिए जो रूखा 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 सूखा है, नमकीन रूखी सूखी है, इसके लिए उसको नहीं खानी, उसमें तेल है वो भी विकृत तेल है, विकृत तेल है, वो भी थोड़ा है, तो वो नहीं खाना है, लेकिन वायु जब बढ़ता है तो रूखा सूखा छोड़ दीजिए, और
लचीला खाइए, जैसे शीरा हो गया, जैसे तेल में बनाया कोई पदार्थ हो गया, घी में सेका हुआ तला हुआ पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ वायु के प्रकोप में खाए जा सकते हैं। जी आगे शर्मा जी। जी शर्मा जी आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी एक कि खाने में अगर कोई रस वाली सब्जी है तो फिर उसमें फिर मटर की भी सब्जी है मान लीजिए, तो मटर जैसे पचने में आप कह रहे थे कि उसमें समय लगता है, तो क्या अंतिम में मटर खाना चाहिए और पहले मटर या चना अंतिम में खाना चाहिए, उसके पहले दूसरे जो हरी सब्जियां उसको पहले खा ले? लेकिन ऐसा आप क्यों करेंगे, क्योंकि वो मटर वगैरह दो तीन सब्जियां काफी होती है, वही खाइए एक साथ इतना सारा मतलब खाना वो जरूरी नहीं है। आज दो खाई, कल दो खाइए, परसों दो खाइए, ऐसा करें। वो क्या होता है कि सब लोग एक साथ 15-10 ऐसी सब्जी साथ बना कर खाते हैं, तो वो पाचन में भी वो सब साथ में जाती है, तो काम अलग अलग का मतलब उसका जो क्रम है, उसका पाचन की जो स्थिति है वो अलग अलग होती है, कोई भारी कोई हल्का, कोई भारी कोई हल्का, तो वो ध्यान रखे बिना एक साथ सब कुछ खा लेने का एक होता है, तो वो बराबर नहीं है। हम कहते हैं कि आप मटर खाइए तो मटर ही केवल लीजिए एक दिन, फिर दूसरे दिन दूसरा लीजिए, फिर तीसरे दिन तीसरा लीजिए, तो इस तरह से आप क्रम बिठाइए, वो एक साथ इकट्ठा मत करिए सबको, क्योंकि एक तो वो पकने की समस्या कि भाई सब पकेगा तो एक ज्यादा पक जाएगा, एक कम पका एक कच्चा रह जाएगा, वो आपको अनुभव है, सब सब्जियों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो वो मॉडर्न मान्यता के अनुसार आया है कि वो मल्टीग्रेन मल्टीक्रूच ऐसा करके मल्टी वेजिटेबल्स, तो ये सभी न करे, दो या तीन सब्जी जो होती है वो लीजिए, फिर दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस तरह से आप क्रम रखिए। जी वनिता जी। प्रणाम आचार्य जी। हाँ प्रणाम आचार्य जी। मुझे एक प्रश्न था कि जो सुवर्ण प्राशन लेते हैं तो उसमें भी शहद जो मिला रहता है तो गर्म करते हैं हम, तो वो कैसे समझ में, यानी गर्म कर सकते हैं कैसे है? जी पहली बात कि जब भी ऐसी पदार्थ को गर्म करना हो तो गर्म पानी में गर्म करते हैं, सीधा गर्म नहीं करते हैं, तो पानी का जो जैसे सुवर्ण प्राशन आप सीधा गर्म न करें, आप समझ गए ना, दो प्रकार है उसके, एक तो सूर्य के ताप में रख दे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म होगा, अग्नि उसमें नहीं है, दूसरी बात जब उसको गर्म करना पड़े तब पानी को गर्म करे और पानी में बोतल रखे, तो सीधा अग्नि का ताप नहीं गया, जो भी उसको पिघालने के लिए था वो पानी के थ्रू गया, तो वो अग्नि का इतना सीधा संपर्क न होने से उससे कुछ हानि नहीं होती है। सभी प्रकार के हनी से जो दवाई बनती है और जो जमती है उसके लिए आयुर्वेद में ऐसा बताया है, एक बात ये। दूसरी बात औषधि युक्त जो हनी है उसमें दोष बहुत कम होता है, क्योंकि और औषधियां मिल जाने से हनी का स्वभाव परिवर्तन हो जाता है, इसके लिए उसमें हानि नहीं है, केवल हनी को गर्म करने में हानि होती है। तो ये दो तीन समाधान आयुर्वेद के ग्रंथों में बताए गए, कोई कोई क्वात के अंदर भी हनी को डालकर पिया जाता है, पानी के अंदर नहीं पी सकते गर्म पानी में, लेकिन गर्म क्वाथ में पीने का है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई क्वाथ की, तो हनी का वो दोष दूर हो जाता है। तो सुवर्ण प्राशन को आप गर्म इस तरह से करें, पानी भर ले पतेली में और उसके अंदर बोतल रख दे, तो वो उसको ऐसे कर सकते हैं आप गर्म। जी आचार्य जी 10:30 बज गया और 1 बज गया सिंगापुर में जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो कल जी। हम लोग 9 बजे मिल रहे हैं आयुर्वेद का सेशन में, आयुर्वेद के वर्ग के, ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना जीवन में आयुर्वेद को उतारिए, आप सब लोग आचार प्रचार, आचरण के बिना प्रचार नहीं करना है, तो अपना जीवन में आयुर्वेद को उतारिए और जो भी जितने लोगों को हो सकता है उतने लोगों को जोड़ने का कोशिश कीजिए। नहीं जोड़ने से क्या होगा आपको पता है, इतना चीटिंग होगा, जो इग्नोरेंट सोसाइटी है चीट हो जाएंगे आपको पता है। तो मैं एग्जांपल बोला था श्रीशैला जो अपना वॉलंटियर का, तो पूरे के पूरा जो है गर्भ संस्कार का विधि सब कुछ फॉलो किए थे, आज उसका फल जो है उनको मिला है, नॉर्मल डिलीवरी दोनों हेल्थी है। तो ये जो है प्लीज हम लोग मिलके जो है फिर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अब मैक्सिमम लोगों का जोड़ने का कोशिश कीजिए, अगर आपको अलग जगह गड्ढा नहीं खोदना है तो आप इसमें हेल्प कीजिए। अगर पूरा भारत को अपना फैमिली मान रहे तो
एक ही कुटुंब मान रहे तो आप इसमें हेल्प कीजिए, तो कोई गुरु के तरफ आपको जो है टुवर्ड्स गुरु आपको ग्रेटिट्यूड होने से इसमें हेल्प कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। मिलेंगे कल रात को 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।